हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी वे एम निशा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन पर बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स इवॉल्व आर। सबसे प्राचीन या सबसे शुरुआती टाइप का ज़मीन पर इवॉल्व विकसित होने वाला पौधा है। ऑप्शन ए है एलगी, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी है टेडोफाइटा। तो ज़मीन पर या धरती पर सबसे शुरुआती टाइप का या प्राचीन टाइप का प्राचीन जो पौधा पौधे विकसित हुए हैं वे हैं ब्रायो फाइटा से। इसलिए इसमें से एक ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा सबसे पहले ज़मीन पर इवॉल्व हुए थे या विकसित हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कौन सा प्लांट समूह पौधों का समूह एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, मीन्स पादप जगत का एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है टेडोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है एलगी, ऑप्शन डी है फंजाई। तो इसमें पादप जगत के एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है ब्रायोफाइटा को, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज। ब्रायोफाइट में मेन मुख्य प्लांट बॉडी होती है। ऑप्शन ए स्पोरोफिटिक, ऑप्शन बी है गैमेटोफिटिक, ऑप्शन सी है गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, ऑप्शन डी है नाइदर गैमेटोफिटिक नर स्पोरोफिटिक। तो जो ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफिटिक, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी गैमेटोफिटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, द टर्म ए ट्राइकिटा टू ब्रायोफाइट वाज गिवन बाय। टर्म ए ट्राइकिटा ब्रायोफाइट्स के लिए दिया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन ए है कश्यप, ऑप्शन बी है कैंपेल, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी टिप्पो। तो ब्रायोफाइट्स के लिए ए ट्राइका टर्म दिया गया था टिप्पो के द्वारा, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ओस्टवाल टिप्पो, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी ओस्टवाल टिप्पो या टिप्पो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स। कौन सा ब्रायोफाइट्स के लिए असत्य है। ऑप्शन ए वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, ऑप्शन बी है ट्रू रूट एब्सेंट, ऑप्शन सी सेक्स ऑर्गन जैकेटेड और ऑप्शन डी एंथ्रोजोइट्स आर मल्टी फ्लैजलेटेड। तो ब्रायोफाइट्स के लिए इनमें से मीन्स वैस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट ही होते हैं, ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं, सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होती हैं, तो एंथ्रोजोइट्स आर मल्टी फ्लैजलेटेड, तो इनमें से यही असत्य है क्योंकि एंथ्रोजोइट्स जो होती है मल्टीफ्लेजलेटेड नहीं होती है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोजोइट्स आर मल्टीफ्लेजलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर। ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन है। ऑप्शन ए है यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड, ऑप्शन बी है यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, ऑप्शन सी मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, ऑप्शन डी है मल्टीसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। तो ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गेन होते हैं वे मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर सी मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय। एक प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक कवरिंग जिसे कैलिप्ट्रा के कहलात कहा के नाम से जाना जाता है, ये
बना हुआ होता है, निर्मित हुआ होता है? ऑप्शन ए वॉल ऑफ नेक, ऑप्शन बी वॉल ऑफ बेंटर, ऑप्शन सी स्टॉल्क और ऑप्शन डी फॉर्म्ड एज अ न्यू स्ट्रक्चर। तो एक जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कैलिप्ट्रा के नाम से जाना जाता है, ये बना हुआ होता है वॉल ऑफ बेंटर से, बेंटर की वॉल से, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर बी वॉल ऑफ बेंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन ब्रायोफाइट्स द जायगोट गिव राइज टू स्पोरोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जायगोट, जायगोट स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। ऑप्शन ए है आफ्टर लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड, ऑप्शन बी है आफ्टर शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड, ऑप्शन सी है नो रेस्टिंग पीरियड और ऑप्शन डी है नो एम्ब्रियो एंड हेंस स्पोरोफाइट्स फॉर्मेशन। तो ब्रायोफाइट्स में जो जायगोट होते हैं वे स्पोरोफाइट्स उत्पन्न करते हैं नो रेस्टिंग पीरियड पर, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी नो रेस्टिंग पीरियड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन ए है आइसोगैमस, ऑप्शन बी है एनआइसोगैमस, ऑप्शन सी ओगैमस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ब्रायोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ओगैमस टाइप का, तो इसलिए इससे में सही हुआ ऑप्शन नंबर सी ओगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्पोरोफाइट्स आर स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स या स्पोरोगोनियम ब्रायोफाइट्स में होते हैं। ऑप्शन ए है फुली डिपेंडेंट, ऑप्शन बी है पार्टियली डिपेंडेंट, ऑप्शन सी है फुली डिपेंडेंट और ऑप्शन डी है पार्टियली फुली डिपेंडेंट। तो जो स्पोरोफाइट्स होते हैं स्पोरोगोनियम में, स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ये पूरी तरीके से पार्टियली या फुली डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी पार्टियली आर फुली डिपेंडेंट, मीन्स कुछ या पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। कुछ या पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रायोफाइट्स हैं, ऑप्शन ए है हेटरोस्पोरस, ऑप्शन बी है होमोस्पोरस, ऑप्शन सी होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी होमोस्पोरस, क्योंकि इनमें सिंगल टाइप का या एक ही टाइप का स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इन्हें होमोस्पोरस कहा जाता है, तो ये होमोस्पोरस टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ब्रायोफाइट्स डू नॉट आकर इन, ब्रायोफाइट्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए माउंटेन, ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ऑप्शन सी सी, ऑप्शन डी आर्कटिक रीजन। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं ये नहीं पाए जाते हैं सी रीजन में, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द ब्रायोफाइट्स रिपोर्टेड एट मैक्सिमम हाइट 20,000 फीट इज, ब्रायोफाइट्स जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है। ऑप्शन है बक्स भूमिया, ऑप्शन बी है डाउसोनिया, ऑप्शन सी है एंगेस्ट्रोनिमिया, ऑप्शन डी है फ्रॉन्टिनेलिस। तो ब्रायोफाइट्स जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है वो है एनओंगोस्ट्रोमिया, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी एंगोस्ट्रोमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच इज एन एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स, कौन जलीय ब्रायोफाइट है या पानी में पाया जाने वाला ब्रायोफाइट्स है। ऑप्शन है रिसियोकार्पस,
रिक्सियो कॉर्पस नेटन्स, ऑप्शन बी है रिक्सिया फ्लेंटन्स, ऑप्शन बी है फोंटिनेलिस एंटीपायरेटिका और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो जली या पानी में पाया जाने वाला जो ब्रायोफाइट्स है ये सारे हैं। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज मीन्स रिक्सियो कॉर्पस नाटम्स, रिक्सिया फ्लुएंटस, फोंटिनेलिस एंटीपायरेटिका ये सभी एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स हैं, पानी में पाए जाने वाले ब्रायोफाइट्स हैं। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ब्रायोफाइट्स कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फुली अंडर वाटर। कौन सा ब्रायोफाइट्स पूरी तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को पानी के नीचे कंप्लीट करता है, पानी में कंप्लीट करता है, पूरा करता है? ऑप्शन ए है रिक्सिया फ्लुएंटस, ऑप्शन बी है रेलिया, ऑप्शन सी स्पैगिनम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से ब्रायोफाइट्स जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल पानी में कंप्लीट करता वो है रेलिया, रेला रायला, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर बी रेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज कॉमनली नोन एज पीट मॉस और बॉग मॉस। कौन सा किसे पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पॉलीट्राइकम, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी स्पैग्नम, ऑप्शन डी रिक्सिया। तो पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है स्पैग्नम को, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी स्पैग्नम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एपिफाइलस ब्रायोफाइट्स, एपिफाइलस ब्रायोफाइट्स हैं। ऑप्शन ए है रिक्सिया, ऑप्शन बी मार्केंसिया, ऑप्शन सी रेड्यूला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एपिफाइलस ब्रायोफाइट्स वो ब्रायोफाइट्स होते हैं जो लीव्स पर ग्रो होते हैं। तो इनमें से एपिफाइलस ब्रायोफाइट्स हैं रेड्यूला, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी रेड्यूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट इज, सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है। ऑप्शन ए है रिक्सियो कॉर्पस, ऑप्शन बी बक्स बूमिया, ऑप्शन सी है मार्केंसिया, ऑप्शन डी स्पैग्नम। तो सेप्रोफिटिक मीन्स मृतोपजीवी ब्रायोफाइट्स है बक्स बूमिया, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी बक्स बूमिया। जो बक्स बूमिया होता है वो सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स होता है, मृत जो ही ब्रायोफाइट्स होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट वॉज, प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन ए है पी एन मेहरा, ऑप्शन बी एस आर कश्यप, ऑप्शन सी के सी मेहता, ऑप्शन डी मुंडकर। तो जो प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट थे वे थे एस आर कश्यप, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी एस आर कश्यप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लीवर वॉर्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज वॉज रिटन बाय, ये बुक है लीवर वॉर्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है कश्यप, ऑप्शन बी कैम्पबेल, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी राम उदार। तो लीवर वॉर्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज ये लिखी गई थी एस आर कश्यप के द्वारा, एस आर कश्यप की एक बुक है, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए एस आर कश्यप या कश्यप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म ब्रायोफाइटा वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी ओसवाल्ड टिप्पो, ऑप्शन डी स्किम्पर। तो ब्रायोफाइटा टर्म दिया गया था ब्राउन के जरिए, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर बी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू क्लास, ब्रायोफाइट्स कितने क्लास में डिवाइडेड हैं?
विभाजित हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। तो ब्रायोफाइटा को या ब्रायोफाइट्स को तीन क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो इसलिए इसमें से एक ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लीवरवॉर्ट्स आर लीवरवॉर्ट्स हैं, ऑप्शन ए मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ हेप्टी की क्लॉस, ऑप्शन सी है मेंबर ऑफ एंथोसिरोटी, ऑप्शन डी है मेंबर ऑफ म्यूसी। तो लीवरवॉर्ट्स जो हैं वो है मेंबर ऑफ हेपेटिक की क्लॉस के, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेंबर ऑफ हेपेटिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राइजोइड्स इन थैलोइड्स फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स आर प्रेजेंट इन, थैलोइड्स में जो राइजोइड्स फॉर्म होते हैं ब्रायोफाइट्स के वे उपस्थित होते हैं, ऑप्शन ए है डार्सल सरफेस पर, ऑप्शन बी है वेंट्रल सरफेस, ऑप्शन सी ऑन मार्जिन, ऑप्शन डी एवरीवेयर। तो जो राइजोइड्स होते हैं थैलोइड्स में और ब्रायोफाइट्स में जो फॉर्म होते हैं वे पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं वेंट्रल सरफेस पर, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी वेंट्रल सरफेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।